हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फन वाइब। कैसे हो आप सब? आज देखेंगे ये वाले थ्री टॉपिक्स। क्या आप दोनों एक हो जाओगे? नंबर टू, वो आपसे कितना लव करते हैं? नंबर थ्री, वो आपसे कब बोलेंगे अपने दिल की बात? थ्री टॉपिक्स हैं, चलो देखते हैं आपके लिए आज। सबसे पहले हम देखेंगे आपके लिए फर्स्ट टॉपिक, क्या आप दोनों एक हो जाओगे या नहीं। ये जानने के लिए आप चूज़ करो वन टू और थ्री में से एक नंबर अपना। सबसे पहले हम देखते हैं नंबर टू, इसमें क्या लिखा होता है आपके लिए। 50% चांसेस हैं आप दोनों के एक होने के। देन फ्रेंड्स, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नंबर जो के है नंबर थ्री, इसमें क्या होने वाला है आपका आंसर। लेट्स सी, आप दोनों एक हो जाओगे बट हो सकता है इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाए। देन फ्रेंड्स, इसके बाद देखते हैं नंबर वन, इसमें क्या होगा आपका आंसर। यस, हो सकता है एक हो जाओ बट फैमिली प्रॉब्लम्स बहुत आएंगी आगे जाकर। इसके बाद हम देखते हैं सेकेंड टॉपिक, वो आपसे कितना लव करते हैं। ये जानना है तो 4, 5 और 6 में से एक नंबर चूज़ करना होगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपने अपने लिए 4 को चूज़ किया है तो चलो देखते हैं इसमें क्या होता है। वो आपसे 50% लव करते हैं। देन इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नंबर जो कि है नंबर 6, इसका आंसर है ये आपके लिए 95% लव करते हैं आपको वो। और फ्रेंड्स, अब देखते हैं नंबर 5 में क्या होने वाला है आपका आंसर। 70% लव है आपसे उनको। और अब इसके बाद है थर्ड वाला टॉपिक, वो आपसे कब बोलेंगे अपने दिल की बात। सो फ्रेंड्स, ये जानने के लिए आपको 7, 8 और 9 में से चूज़ करना है नंबर। सबसे पहले हम देखेंगे नंबर 8, इसमें क्या होता है लिखा। अभी टाइम लगेगा इसमें, हो सकता है इस मंथ मुश्किल हो ना बोलें वो इस मंथ आपको। और अब इसके बाद देखते हैं नंबर 7, 2 से 4 वीक्स के अंदर हो सकता है वो बोलने का ट्राई करें आपको। देन फ्रेंड्स, अब है लास्ट नंबर 9, चलो देखते हैं इसमें नेक्स्ट मंथ हो सकता है आपको उनकी तरफ से कोई लव साइन मिले। लाइक और सब्सक्राइब कर देना। बाय।